दोस्तों आज की कहानी है, बुआ जी आपके बेटा बहू आपके साथ पराया जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। बुआ जी ये आपकी बहू आपका ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसा लग रहा है जैसे इसके आपकी सेहत की कोई फिक्र ही नहीं है। बहू का तो फर्ज होता है बीमार सास की सेवा करना। सेवा तो दूर की बात है, आपकी बहू तो आपका हाल साल पूछ ले वही काफी है। और ये सब आपके नालायक बेटे के कारण भी हो रहा है। वह अपनी बीवी से कुछ कहता क्यों नहीं? क्या सेवा के लिए नौकर रख लेने से देने से सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? सुनीता जी ने अपनी बहू कल्याणी जी से कहा, गलती बेटे बहू की नहीं है, सारी गलती मेरी है। जब बहू को जरूरत थी तो मैंने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। हाँ उसके लिए हमेशा मुसीबतें जरूर खड़ी की है, वह तो शुक्र है इन्होंने मुझे अभी अपने साथ रखा हुआ है। कोई और होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता या मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया होता। ये क्या कह रही है बुआ जी? एक तो आपके बहू बेटे आपके साथ पराया जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ऊपर से आप उन्हें कुछ कहने की बजाय उन्हें की तरफदारी किए जा रही है। हाँ सुनीता तू जानती है मेरी सास बहुत संत मिजाज की थी। उन्होंने हमेशा मुझे दबा कर रखा, बस उन्हें देखकर मैंने सीख लिया कि सास ऐसी ही होती है जो बहू को दबा कर रखती है और उसके लिए मुसीबतें खड़ी करती है और साथ साथ ही बहू बेटे की जिंदगी में आग लगाती है। जब सुरेखा इस घर में ब्याह कराई तो वह मुझसे माँ की छवि ढूंढती थी और मेरा खूब आदर सत्कार करती थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका तिरस्कार किया कई बार जानबूझकर। ऐसे कांड किए जिनसे बहू बेटे के बीच लड़ाई होती, ये देखकर मेरे मन की तल को तसल्ली मिलती। बेटे की तनख्वाह भी कम थी, सुरेखा घर के काम करने के साथ साथ नौकरी भी करने लगी ताकि घर में सार पैसे आ सके, लेकिन मैंने इसका साथ देने की बजाय इसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बहू जब माँ बनने वाली थी तब भी मैंने उस पर तरस नहीं खाया, खूब काम करवाती उससे और ताने भी देती। बहू को बच्चे हुए तब भी नहीं संभाला, हफ्ते भर में अंदर घर के सारे काम करने लगी थी। ये एक समय ऐसा था बहू को दोनों बच्चों को मायके छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके लिए नौकरी के साथ साथ बच्चे और घर संभालना मुश्किल हो गया था। मेरा बेटा भी कभी उसका साथ ना देता, मेरी तरफ ही बोलता था, लेकिन एक समय के बाद उसे भी समझ आ गया कि माँ गलत थी और बीवी सही। उसी दिन से वह मुझ से कटने लगा, मेरे हाथ पैर सलते थे लगता था बहू बेटे की जरूरत नहीं। मुझे अब बुढ़ापा आया तो समझ आया कि मेरे बहू बेटे कितने जरूरी थे। बोलते बोलते कल्याणी जी का गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता जी ने उन्हें शुभ करवाया और बोली, लेकिन बुआ जी जो हो गया सो हो गया, ये लोग कब तक उन बातों को लेकर बैठे रहेंगे? जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो इन्हें आपकी सेवा करनी चाहिए ना, कब तक अतीत की बातों को लेकर बैठे रहेंगे ये लोग? सुनीता दूसरों के लिए कहना आसान है, जिस पर बीती है उसे ही पता होता है। ये जो बता रही हो ये संत बातें हैं, हकीकत इससे भी बुरी है। मैं बहू बेटे के मन से उतर चुकी हूँ, हर बार माफ़ी देना आसान नहीं होता। मैं इनसे कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन बेटा ही कहता है अम्मा माफ़ी मांगने से क्या होगा, जब जरूरत थी तब तुमने कोई सहायता नहीं की, अब जरूरत तुम्हें है तो तुम भली बनने का नाटक करती हो। सुनीता मेरी माफी में आज भी इस बार छुपा हुआ, इसलिए माफी भी नहीं मिल रही। मैं तुझे बस इतना समझाना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की तुम मत करना। बहू
को दिल से अपनाना, जब उसे जरूरत हो उसके लिए खड़ी रहना। बुरी सास बनना आसान नहीं है, अच्छी बनना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं बुरा बनना ही पसंद करती है। मेरी गलती मत दोहरा, घर जा अपनी बहू को संभाल। आज बहू का करेगी तो कल को बहू तेरा करेगी, आज कांटे बोएगी तो कल को कांटे ही मिलेंगे। क्या कहना चाहती हो बुआ जी आप, जो हो रहा है मेरी गलती है, मेरी बहू भी सीधी नहीं है, कुछ गलती उसकी भी है। प्रेगनेंसी में भी तबीयत खराब का बहाना बनाकर बेड पर पड़ी रहती थी, अब माँ बन गई है तो कोई काम करना नहीं चाहती, ऐसे कैसे घर चलेगा। मैं सब जानती हूँ सुनीता, तेरी बहू जब माँ बनने वाली थी तो तूने एक दिन उसका ख्याल ना रखा, इसलिए बहू माई चली गई। और जब वह बच्चे के साथ वापिस आई तब भी तूने खूब लड़ाई झगड़े की, इसलिए बहू नाराज होकर मायके चली गई है। याद रख, एक बार बहू बेटे के दिल से उतरी तो मेरी तरह अकेली रह जाएगी, तुझे यहाँ मेरे पास नहीं बहू के पास होना सही है। जा अब अपना घर संभाल, वरना मेरी तरह अकेली पड़ी रहेगी और बहू बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुआ की बातें सुन सुनीता जी तुरंत घर के लिए निकल। यानी जी की बातों ने सुनीता को आईना दिखा दिया। अब तक वह बहू के साथ क्या कर रही थी, क्यों कर रही, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आज बुआ की बातें सुनी तो अपनी गलती समझ आई। खुद को एक बार बुआ की जगह रख कर सोचा तो रू काप गई। वह बुढ़ापे में घर के ऊपर वाले कमरे में अकेली अपने बेड पर पड़ी थी। बहू बेटा नीचे रहते थे लेकिन कभी हाल पूछते भी नहीं जाते थे। एक सेविका थी जो सुबह शाम उन्हें संभाल जाती थी और घर और खाना खिला जाती थी। ना बुढ़ापे में उसे कोई बातें करने वाला था, ना कोई उनकी फिक्र करने वाला। यही सब सोचते सोचते सुनीता जी अतीत की गई गहराइयों में खो गई और उन्हें वह समय याद आया जब बहू ने उन्हें खुशखबरी दी थी। बहू को खुश भी खाया पिया पछता नहीं था, पूरा दिन उल्टियां करती थी, कुछ भी खाती तो तुरंत गिरा देती, कई बार कमजोरी के कारण शक्कर खाकर भी गिर पड़ी। लेकिन उन्हें महिला होकर भी बहू की हालत समझ ना आती, उन्हें ये सब नाटक ही लगता था। बहू कमरे में लेट जाती तो उन्हें लगता ये उसके काम ना करने के बहाने हैं। सुनीता जी से परेशान होकर बहू ने अपने मायके वालों को बुला लिया और वह उनके साथ चली गई। बहू की डिलीवरी भी मायके में हुई और उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। एक महीने बाद बहू लौटी तभी सुनीता जी के व्यवहार में कोई बदलाव ना आया। बहू से सारे काम करवाती और बच्चा संभालने में उसकी कोई मदद ना करती। बहू फिर से परेशान होकर मायके चली गई। बहू के जाते ही बेटा ने सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाल दिया और उनसे बात करना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद बेटे ने किराए का मकान देख लिया और अपनी बीवी बेटी संग वहाँ रहने लगा। सुनीता जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्हें लगता था उनके हाथ पैर चलते और पैशन आती है न, उन्हें किसी के साथ और सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुआ की हालत देख उनके खुद के विचार बदल गए। यही सब सोचते वह बहू बेटे के घर पहुंची, दोनों से माफ़ी मांगी और अपनी पोती को भी सीने से शिवका खूब लाड़ लड़ाई। बहू बेटा आना नहीं चाहते थे तो सुनीता जी उनके साथ वहीं रहने लगी। माँ के व्यवहार में बदलाव देख बहू बेटा भी खूब खुश हुए और वह घर लौट आए और उनके आने से घर की खोई खुशियां भी लौट आई। कुछ समय बाद कल्याणी जी तो उस दुनिया से चली गई लेकिन वह जाते जाते अपनी भतीजी को सही राह दिखा गई जिससे उसका घर फिर से आबाद हो गया। दोस्तों कई बार हम अपने व्यवहार से अपना ही घर तबाह कर लेते, समय रहते हमें हमारी गलती समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। समय रहते अगर हम अपना व्यवहार नहीं सुधरते तो बाद में हम कल्याणी जी की तरह अकेले रह जाते हैं और मन पछतावे से भर जाता है, भरा होता है। माफी मांगना चाहते हैं लेकिन कोई हमारी बात
सुनने वाला नहीं होता, इसलिए समय रहते रिश्तों को संभाल ले, क्योंकि जब तक रिश्ते संभले रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी संभला रहता है।